पुलिस के अंदर लोग होते हैं वो सब लोग भी इस कोटा के थ्रू गाड़ी ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, मैं आपको पहले उनका एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। वो डिपार्टमेंट होता है जैसे आपका लेटर कुछ इस तरीके का होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी CSG प्राइस के रिगार्डिंग, जी हाँ, उसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया था CSG के थ्रू आप बाइक कैसे ले सकते हो, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी पे चलते हुए आज हमको बहुत सारे कमेंट्स आए, तो हमने फाइनली सोचा है अब हम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट को कितना छूट मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन किन बाइक्स का कितना प्राइस है। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो करते वीडियो स्टार्ट, लेके चलता हूँ भैया के पास, लेट्स गो। सो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और लास्ट जो वीडियो हमने एक आर्मी कोटा CSD के ऊपर बनाया था, उस पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्यार देखने को मिला है, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं, जिसके अंदर मैंने कोशिश कर रहा था आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ उसके अंदर। सो थैंक यू। और आगे अब जो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूँ, आई होप आप सब लोग उस पर भी इतना ही प्यार देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर जिसके ऊपर काफ़ी कस्टमर्स की क्वेरी भी रहती है, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं और काफ़ी वॉक इन कस्टमर्स भी रहते हैं जो हमारे पास शोरूम पर चल के आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आपको ये वीडियो YouTube के ऊपर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो आज आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पुलिस कोटा के अंदर गाड़ी लेने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं KPKB, इसकी फुल फॉर्म होती है केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। इसके अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, मैं आपको पहले उनका एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। वो डिपार्टमेंट होता है जैसे आपका BSF हो गया, आपका SSB हो गया, आपका अंडमान निकोबार पुलिस हो गया, आपका CIF हो गया, CRPF हो गया और ITBP हो गया, और जो नॉर्मल हमारे पुलिस के अंदर लोग होते हैं वो सब लोग भी इस कोटा के थ्रू गाड़ी ले सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आप बात करूं कि डिस्काउंट किस तरीके से होता है, ये एक्चुअली क्या है कि आपका एक्स शोरूम जो होता है उसके ऊपर आपको 3-4% का छूट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी का एक्स शोरूम 1,00,000 रुपये है, उस पर 4% डिस्काउंट है, तो 4% डिस्काउंट का मतलब ये होगा 1,00,000 पे आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन और है, गाड़ी को लेने के लिए आपको एक लेटर होता है जो कि वो लेटर आपको रेडी करवाना होगा, और आपके जो पुलिस का कैंटीन होता है वहाँ से आपको स्टैंप और सिग्नेचर करवा के लाने पड़ते हैं। वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो लेटर कुछ इस तरीके का होगा, ये लेटर आप शायद देख पा रहे होंगे, ये लेटर इस तरीके का होता है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी सारी कंप्लीट। इसकी एक फ़ोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और जो इसकी प्राइजेज होती हैं, प्राइजेज के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर बता पाना तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएंगे, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करिए, मैं आपको गाड़ियों के मॉडल्स और प्राइजेज के बारे में पूरा का पूरा ब्रीफ कर दूँगा। तो अब लेटर किस तरीके से बनेगा और कैसे आपको इसे प्रोसेस में लेना है, लेटर लेने के लिए आप सबसे पहले शोरूम पर जाएंगे, शोरूम पर गाड़ी का मॉडल आप पसंद करेंगे, क्योंकि रॉयल इनफील्ड के अंदर क्या है, CSD के अंदर भी कुछ मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, वहीं केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की जो कैंटीन होती है उसके अंदर भी कुछ ही मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लासिक के सारे कलर मिल जाएंगे आपको, मेटियोर के सारे कलर मिल जाएंगे, जो हंटर होती है उसका सिर्फ टॉप मॉडल आता है, और जो हमारी न्यू बुलेट आई है अभी स्टैंडर्ड, इसका भी कोई भी मॉडल KPKB के अंदर अवेलेबल नहीं है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइजेस के अंदर आपको अगर नॉर्मल आइडिया दूँ तो 8-10,000 रुपये का एक शोरूम में आपको डिस्काउंट हर गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी लेटर इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेटर के अंदर नॉर्मल आपका ID, रैंक, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स जो शोरूम पर देने हैं वो क्या देना होता है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका डिपार्टमेंट का ID कार्ड, बस इस तीन डॉक्यूमेंट के अलावा फोर्थ आपका लेटर जो आप कैंटीन से सिग्नेचर करवा के लाते हैं, बस ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, आप शोरूम पर जाकर के गाड़ी ले सकते हैं। और अगर आपको और इसकी और क्लैरिटी चाहिए या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इसके बारे में, तो मेरे नंबर पर आप कॉल करिए डायरेक्टली, मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा थोड़ा सा रात को 8-8:30 बजे के बाद कॉल ना करें मुझे, क्योंकि उस समय मेरा कॉल उठा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेटर का एक फ़ोटो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूं, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे कॉल करके डायरेक्टली ले सकते हैं।
और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, लास्ट वीडियो पर जैसा आपने इतना सपोर्ट किया है, आई होप आप इस वीडियो के ऊपर भी इतना ही सपोर्ट करेंगे। और अगर और कोई भी आपको लगता है इसके अंदर कि मुझे कुछ और इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो आप वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर, जैसे फाइनेंस हो गया या और कोई डिपार्टमेंट हो गया, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इस वीडियो के ऊपर मैं लाइक का एक छोटा सा टारगेट सेट कर रहा हूँ, जो कि 1000 लाइक का है। आई होप ये लाइक आप जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।